आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में 25 जनवरी तक जुड़ेंगे नाम। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का किया प्रकाशन। स्वच्छता रैंकिंग 2019 के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण का काम जारी। केंद्रीय टीम ने भिलाई में स्वच्छता का लिया जायजा। प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना। और राजनांदगांव में 64वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन। देश भर के 2000 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए विस्तृत पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही प्रदेश में विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि आगामी 25 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जनवरी तक दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी के पहले किया जाएगा। इसके बाद 22 फरवरी को अंतिम रूप से पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। स्वच्छता रैंकिंग 2019 के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण का काम जारी है। इस सिलसिले में केंद्रीय टीम ने सर्वेक्षण के लिए अपना दौरा शुरू कर दिया है। स्वच्छता रैंकिंग के तहत ODF प्लस के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने भिलाई में सर्वेक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय टीम ने भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सुलभ शौचालयों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। स्वच्छता टीम शौचालयों में पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही सैनिटरी पैड, एग्जॉस्ट फैन और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके आधार पर ही रेटिंग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिन निकायों को स्वच्छता में ज्यादा रेटिंग मिलेगी, उसे राज्य शासन द्वारा उतना ही अधिक फंड दिया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी नीचे चला गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में सुबह बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। वहीं जशपुर और कोरिया में भी अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश के सभी संभागों में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज की गई। वहीं राजधानी रायपुर में अगले 24 घंटों के दौरान आकाश में बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दूसरी ओर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में मौसम में आए बदलाव के कारण 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकती हैं। प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस दौरान उपार्जन केंद्रों में अवैध रूप से धान की आवक और कोचियों के खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कवर्धा जिले के हरिम छपरा खरीदी केंद्र में आकस्मिक जांच के दौरान दूसरे के खाते से धान बेचते पाए जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके पास से 127 बोरा धान और ट्रैक्टर जब्त किया गया। डिप्टी कलेक्टर अनिल सिदार ने बताया कि धान खरीदी के दौरान कोचियों और बिचौलियों की धर पकड़ के लिए खरीदी केंद्रों का सतत रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।
भिलाई में आज अयप्पा सेवा संगम द्वारा शोभा यात्रा और मंडलम पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सबरीमला जाने के लिए 41 दिनों का व्रत रखने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से शामिल हुए। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित शिव मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा भगवान अयप्पा स्वामी के जय घोष के साथ सेक्टर 2 स्थित अयप्पा मंदिर पहुंची। मंदिर में सबरीमला की तर्ज पर सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालुओं ने अयप्पा स्वामी के दर्शन किए। अयप्पा सेवा संघ के अध्यक्ष एस अनिल कुमार ने सबरीमला यात्रा के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि भगवान अयप्पा के दर्शन मात्र से कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति पूजा है, आज मंडल पूजा है, 41 डेज व्रतानुष्ठान। हम सबरीमला जाने के लिए 41 डेज का व्रतानुष्ठान जरूरी रहता है। आज 41 डेज कम्प्लीट हुआ। जो भक्त ने आज 41 डेज का व्रत देखा, उन्होंने सेक्टर 4 शिव मंदिर से इरमुड़ी धारण करके शोभा यात्रा निकाल के अभी अयप्पा स्वामी का 18 स्टेप्स, जो 18 स्टेप का अलग महत्व रहता है, उस स्टेप बाद चढ़ के भगवान का दर्शन किया। वो दर्शन के बाद अभी वो इरमुड़ी में घी भरा हुआ नारियल रहता है, वो घी से भगवान का अभिषेक होगा और अलग तरह का पूजा अर्चना यहाँ होगा। और उसके बाद 12:30 बजे से महाभंडारा, केरल का ट्रेडिशन रूप से महाभंडारा का भी आयोजन है और शाम को विशेष पूजा अर्चना भी होगा। दर्शन के बाद भगवान अयप्पा स्वामी का घी से अभिषेक किया गया और महाप्रसाद का वितरण किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया है। 4 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट के साथ सम्पन्न हुआ। जेआर दानी स्कूल परिसर में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य शासन के कैबिनेट मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। इस मौके पर डॉ. डहरिया ने कहा कि किसी भी खेल में हार जीत से महत्वपूर्ण उसमें भाग लेना होता है। लगन, अपनी आपकी रुचि आपको भीड़ से अलग पहचान बनाने के अवसर प्रदान करती है। आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, किंतु सफलता पाने के लिए आपको अनुशासित रहना जरूरी है और अपने आप को तैयार करते रहना होगा। अपने खेल के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित अभ्यास करते रहें, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वहीं प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह देखा गया। विजेता खिलाड़ियों ने खिताब मिलने पर अपनी खुशियों का इजहार किया। पाल है, ये जीत कॉनेडो है गेम, इसे 5 खेल, ये ना 1994 में स्टार्ट हुआ था ये गेम। ये ब्रूसली का गेम है, इस मैं ना 4.5 साल से खेल रहा हूँ ये गेम। जीत कॉनेडो, उसमें फाइटिंग होती है, सिंपली स्वेप होता है और उसमें फाउल्स ये सब होता है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? मैं 2016 से कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन में जाना स्टार्ट हुई अब से। उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 18 राज्यों के 747 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टेबल शॉकर बालक 14 वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। बालिका में भी छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। थ्रो बॉल बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा, वहीं बालिका 14 वर्ष में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी तरह ड्रॉप रो बॉल बालक और बालिका दोनों वर्ग में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा जीत कुनेडो बालक और बालिका वर्ग में भी छत्तीसगढ़ का दबदबा रहा। समापन समारोह में विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और जिला पंचायत अध्यक्ष शारदा वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आज 64वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव ने आकाश में गुब्बारे उड़ाकर इस खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में फ्लोर बॉल, बास्केटबॉल और योग मुड़ो खेल को शामिल किया गया है। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के 20 राज्यों और 6 चयनित स्कूल टीम की 2000 से अधिक खिलाड़ी और कोच शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बिहारी
बिहार के पश्चात ये सीबीएसई देश से सीबीएस और वहां से चयनित होने के बाद ये एसजीएफआई द्वारा आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में ये इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। बास्केटबॉल में अंडर 14 बालक बालिका, योग गुंडों में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक बालिका व फ्लोर बॉल में अंडर 14 व अंडर 17 बालक बालिका सम्मिलित हुए हैं। पूरे देश के 25 राज्य व 6 कंटिजेंट, टोटल 26 स्टेट से यहां टीम आई हुई है। 1512 बच्चों की उपस्थिति हुई है हमारे जिले, हमारे शहर में। साथ ही साथ 200 के करीब ऑफिशियल हैं। आज से लेकर 30 तारीख तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 30 तारीख को इसका समापन समारोह होगा। हम सभी ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो उसके लिए शिक्षा विभाग, समस्त पीटीआई, जिला प्रशासन सभी कृत संकल्प है और सभी बच्चों को जो बाहर से आए हुए हैं उनको जितनी ज़्यादा सुविधा हम दे सकें उनका प्रयास किया जा रहा है। पक्षपात विहीन क्रीड़ा प्रतियोगिता राजनांदगांव में हो, राजनांदगांव का नाम ऊपर हो, देश का नाम ऊपर हो, इसी शुभकामना के साथ ये कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह में एसडीएम अतुल श्रीवास्तव सहित खेल जगत से जुड़े लोग मौजूद थे। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग गोंदिया कलमना रेलखंडों में आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते इस मार्ग पर 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर रेल मंडल के इतवारी स्टेशन का यार्ड आधुनिकीकरण का कार्य और इतवारी छिंदवाड़ा सेक्शन के जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान 3 जनवरी को रात 12 बजे से 3 बजे तक और 3 जनवरी को सुबह 8 बजे से 7 जनवरी तक अर्थात कुल 96 घंटे तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के दौरान कुछ गाड़ियों को देर से रवाना किया जाएगा। 3 से 7 जनवरी तक बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस इतवारी के स्थान पर नागपुर तक चलाई जाएगी। वहीं इतवारी से चलने वाली इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस इतवारी के स्थान पर नागपुर स्टेशन से रवाना होगी। वहीं गेवरा रोड से चलने वाली गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस भी नागपुर स्टेशन से चलेगी। 4 से 8 जनवरी तक इतवारी से चलने वाली इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस इतवारी की जगह नागपुर स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। 3 से 7 जनवरी तक रामटेक इतवारी मेमू को कामटी स्टेशन में ही समाप्त कर कामटी से इतवारी रामटेक मेमू बनाकर रवाना किया जाएगा। वहीं रामटेक इतवारी मेमू को कामटी स्टेशन में समाप्त कर कामटी से ही इतवारी रामटेक मेमू बनाकर चलाया जाएगा। इसके अलावा इतवारी से चलने वाली इतवारी टाटानगर पैसेंजर दुर्ग और इतवारी के बीच रद्द रहेगी। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में प्रदेश भर के नव नियुक्त आरक्षकों को किशोर न्याय अधिनियम और लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और अध्यापन शाखा प्रभारी स्वाति मिश्रा के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य भारद श्रीवास्तव ने नव नियुक्त आरक्षकों को अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उचित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि विवादित बच्चों के प्रकरणों पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों और प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डाला गया। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित प्रकरणों में पुलिस को आने वाली समस्याओं पर भी समूह चर्चा कर उनके सवालों का जवाब दिया गया। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो भी संस्थाएं या व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वोत्तम हित ही होना चाहिए। प्रशिक्षण में विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में 25 जनवरी तक जुड़ेंगे नाम। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का किया प्रकाशन। स्वच्छता रैंकिंग 2019 के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण का काम जारी। केंद्रीय टीम ने भिलाई में स्वच्छता का लिया जायजा। प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना।
और राजनांदगांव में 64वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन। देश भर के 2000 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।